भी इसलिए मैं डाई रेसिपी है आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया लगाया। उसके बाद इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं और वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मूली की भुजिया। मूली की भुजिया बनाना बहुत ही आसान है और ये झटपट बनने वाली सब्जी है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता है और ये बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत ही टेस्टी भी लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने मूली के पत्तियों को अच्छे से धुलकर दो तीन पानी साफ कर लिया है और उसकी जड़ को भी ये देखिए पीसेस में काट लिया है। तो अब मैंने कढ़ाई रख दिया है गैस पे, अब मैं डालती हूँ इसमें मूली की पत्तियां। तो फ्रेंड्स, हम सारे ये जो मूली है हमारी इस कढ़ाई में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये फ्रेंड्स, मैंने एक चम्मच नमक डाली है। इसमें नमक बहुत ही कम डालते हैं शुरुआत में, क्योंकि ये पत्तियां भी गलेंगी तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में रह जाती हैं। तो ये चम्मच मेरे पास छोटा वाला है तो इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में आता है, आप उसी हिसाब से डालिएगा। ये नमक डालने के बाद हल्का सा मैं इसे चला दूंगी। फ्रेंड को फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे और बीच बीच में अपने साग को चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड, ये हमारी सब्जी बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे। तो मैंने इसे खोल लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम इसे फिर से ढकेंगे, अभी हमारी सब्जी पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो फ्रेंड, 10 से 12 मिनट के बाद ये देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल बनके तैयार है। अब हमने फ्लेम को स्लो कर दिया है, सारा पानी इसका सूख गया है और हमारी भुजिया भी लगभग बनके तैयार हो गई है। तो अब हम लगाएंगे इसमें तड़का नमक। फ्रेंड्स, आपको अपने स्वाद के अनुसार ही रखना है, अगर आपको टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो और नमक इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी भुजिया बनके लगभग तैयार है, अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड, उसी पैन में हम ये डालेंगे सरसों का तेल। फ्लेम थोड़ा हाई ही रखेंगे और ये मैंने तड़के के लिए तैयार कर रखा है। दो हरी मिर्च मैंने काट रखी है और 8 से 10 कली इसमें लहसुन की। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है, हम इसमें डालेंगे कटे हुए हमारे
लहसुन और मिर्च। इस सब्जी को बनाने में हमें लगभग 15 मिनट ही लगता है, 15 से 20 मिनट में हमारी ये सब्जी बनकर रेडी हो जाती है। और क्योंकि मूली बहुत ही फायदेमंद होती है, उसकी पत्तियां भी हरी होती हैं, तो वो भी हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, पेट को साफ करता है, उसमें फाइबर काफी मात्रा में होता है। तो इस तरह की चीजें हमें अपने डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए और बहुत ही आसानी से बन जाती है, इसमें कोई ज्यादा काम धाम करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो हम इसे चाहे तो, अभी तो सर्दियां आने वाली हैं, तो सर्दियों में तो बहुत ही अच्छी अच्छी मूलियां आती हैं, तो हम इस तरह की सब्जियां जरूर ट्राई करें। फ्रेंड, हमें इसमें फ्लेम को हाई ही रखेंगे। अब हमारा देखिए लहसुन अच्छे से पक गया है, तो हम इसमें डालते हैं हमारा साग, डाल के इसको अच्छे से मिलाते हैं। मैंने इसमें नमक टेस्ट किया था, तो थोड़ा सा नमक कम है, तो अब इसमें मैंने टेस्ट इन्हेंस करने के लिए ये हमारा देखिए फ्रेंड, ये है हमारा स्पेशल काला नमक। इसका बनाने की जो लिंक है वो मैंने शेयर कर दिया है, तो आप जरूर देखिएगा और इस नमक को जरूर ट्राई करिएगा। इसको डालने से हमारी सब्जी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है और बहुत इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाह रहे हैं डालना तो कोई डालने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप इसे ऐड करते हैं तो इससे आपका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है और ये बहुत ही फायदेमंद भी है। तो मैं तो इसे जरूर ऐड करती हूँ अपने जो इंस्टेंट सब्जियां हैं उनमें जरूर ऐड करती हूँ, थोड़ा सा ही डालूंगी फ्रेंड। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, कितनी शाइनिंग दिखाई दे रही है हमारे साग में। और फ्लेम थोड़ा हाई भी रखिए तो अच्छा रहेगा, हाई फ्लेम पे भूनने पे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसमें। हम इसे 2 से 3 मिनट तक ही चलाएंगे, इसके बाद हम गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारी भुजिया लगभग बनके तैयार है। तो लीजिए फ्रेंड, बनके तैयार है हमारा बहुत ही हेल्दी और टेस्टी मूली की भुजिया। इसे बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं और इसका जायका उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसे लगी है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।